हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ यार, अब से कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। तो चलिए कुछ नया करने जा रहे हैं और कुछ इस तरीके की सिर्फ फ़ोटो खिंचा लेनी है आपको। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान सी एडिटिंग है यार, थोड़ी देर में आप सीख जाओगे। तो सेम बैकग्राउंड की फ़ोटो लेनी है, मॉडल को हटा के सेम जगह पे आपको मोबाइल हिलाना नहीं है गाइस, ठीक है। तो पहले हम ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और उसको पिक्सआर्ट पे ले आते हैं सीधा, आपका समय न गवाते हुए। तो अब यहाँ से एडिटिंग चालू करते हैं गाइस। एक स्टेप बताऊँगा, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले फ़ोटो ले लेते हैं और फ़ोटो के ऊपर जो हमने बैकग्राउंड का फ़ोटो खींचा था उसको इसके ऊपर लगाते हैं गाइस। अब देखिए प्रॉपरली तरीके से इसको फिटिंग करते हैं और ऑपेसिटी को कम करते हैं हम, जिससे हमको मॉडल्स की फ़ोटोज़ दिखे। और अब यहाँ से हमें करना है इरेजिंग। तो गाइस आप इरेज कर सकते हैं आराम से। आप सोच रहे होंगे मैं इरेज क्यों कर रहा हूँ, तो आप देखना अभी मैजिक। कुछ नहीं गाइस, आप अच्छे से प्रॉपरली तरीके से इरेज करो। और आप लोग सोच रहे हो कि मॉडल को मैं इरेज क्यों कर रहा हूँ, जो भाग मुझे चाहिए वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको क्लियर क्लियर। तो गाइस अभी आपको पता चल जाएगा, आप वेट करो 2 सेकेंड। आपको अच्छे से इरेजिंग कर लेनी है गाइस। प्रॉपरली तरीके से पूरे, और मैंने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, मेरे पास DSLR नहीं है गाइस। तो अब आप देख सकते हैं ये ओपेसिटी को मैंने बढ़ा दिया है गाइस। अब यहाँ से थोड़ी सी कुछ गलतियाँ दिख रही है मेरे को, तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। और ये ऊपर से और थोड़ा कट कर दिया, सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा। स्ट्रक्चर ऑन नहीं था इस पर, तो आपको शो नहीं हो रहा होगा जो वाइट वाइट डॉट बना हुआ है, तो मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब आप प्रॉपरली तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही आसान सी एडिटिंग है गाइस। और थोड़ी सी और कटिंग की ज़रूरत थी, और मैं कोई भी वीडियो कोई भी पार्ट कट नहीं कर रहा हूँ गाइस, आपके सामने एडिटिंग कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि मैं कुछ फेक एडिटिंग कर रहा हूँ गाइस, प्रॉपरली आपके मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को मैं एडिट कर रहा हूँ। और मेरे पास पोको F1 फ़ोन है, काफ़ी अच्छा कैमरा है उसका। तो इस तरीके से ओपेसिटी को बढ़ा देने के बाद ऐसा कुछ बैकग्राउंड मिलेगा हम लोग को, जो कि गाइस आधा एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुका है, अब बस इफेक्ट बाकी है। तो अपने को थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं फ़ोटो को प्रॉपरली तरीके से। अभी ये फ़ोटो क्रॉप भी कर लिया है, एक अच्छा सा फ्रेम पर एडजस्ट भी हो चुका है गाइस। तो अब बारी है एडिटिंग करने की, प्रॉपरली तरीके से कट कर दिया। अब इस पर अब गाइस सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद गाइस मैं वीडियो कट नहीं कर रहा और मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लाइटरूम में फ़ोटो को ले चुके हैं हम, और गाइस यहाँ से कुछ इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से गाइस, कलर एडजस्ट करके लगाइएगा जो भी हो। तो मैं जो भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डाउन किया इसके इफेक्ट को, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा। अब गाइस यहाँ से अगर कुछ आपको लगे मैं ब्लैकनेस थोड़ा कम किया हूँ, अगर आपको लगे वाइटनेस बढ़ाना घटाना तो आप बड़ा घटा सकते हो गाइस। वाइब्रेंस को मैंने थोड़ा कम किया गाइस, फिर मज़ा नहीं आया। तो गाइस आप फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करते हो, या ना कि कॉपी करना है गाइस आपको। टेक्सचर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, क्लैरिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि फ़ोटो लगे डैशिंग टाइप की। विगनेट थोड़ा कम किया, एडजस्ट हो रहा है गाइस। आपने फ़ोटो को एडजस्ट करें कि कौन सा इफेक्ट आपके फ़ोटो पे अच्छा लग रहा है, ना कि कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है गाइस। आप देखो आपके फ़ोटो पे कौन सा इफेक्ट अच्छा लग रहा है और जम रहा है। विगनेट को और थोड़ा कम कर दिया, आप फ़ोटो काफ़ी ओपी लग रही है गाइस। क्लैरिटी अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं, 10, 15, 20 जो भी रखें। टेक्सचर्स मैंने एडजस्ट करके देख रहा है कितने में अच्छे से शो हो रहा है। तो हम गाइस देख सकते हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ करना है
ल्यूमिनस को थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से कर रहा हूँ गाइस। अब जो आपके फ़ोटो पे सूटेबल लगे, आपको प्रैक्टिस करना है सब पे और देखना है कि कौन सा अच्छा जच रहा है और बस उसको आपने लगा देना है। तो गाइस और कुछ करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे शार्पिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, नॉइस यहाँ से कुछ नहीं छेड़ा, शेडो बढ़ा के देख रहा हूँ उसी पे कराते हैं कि नहीं। तो गाइस लगभग लगभग फ़ोटो एडिटिंग और कुछ इफेक्ट की ज़रूरत नहीं लग रही है मेरे को इसमें। काफ़ी अच्छे तरीके से विग्नेट को और कम किया, 70 पे ले आया हूँ गाइस, थोड़ी अच्छी लग रही है। साइड में ब्लैकहेड हो गए हैं, अब थोड़ी ओपी टाइप से लग रही है गाइस। फ़ोटो पे कोई लोगो नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं गाइस, उसको सेव कर देना है। अब देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एडिटिंग के बाद लगेगा गाइस। ये देख सकते हैं ज़्यादा फटा भी नहीं है फ़ोटो, मैंने मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो है गाइस। माई डिवाइस इज पोको F1। थैंक यू एंड वेलकम गाइस।